नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme Narzo 20 वर्सेस Realme Narzo 20 Pro का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Narzo 20 में 6.48 इंच जबकि Narzo 20 Pro में 6.39 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Narzo 20 से कम है। विड्थ की बात करें तो Narzo 20 में 2.99 इंच जबकि Narzo 20 Pro में 2.97 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Narzo 20 से कम है। बात करें थिकनेस की तो Narzo 20 में 0.39 इंच जबकि Narzo 20 Pro में 0.37 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Narzo 20 में 208 ग्राम्स जबकि Narzo 20 Pro में 191 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 देखने को मिलता है। बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.5 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Narzo 20 में 720x1600 और Narzo 20 Pro में 1080x2400 देखने को मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Narzo 20 में 81.7% जबकि Narzo 20 Pro में 83.36% देखने को मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Narzo 20 में 270 पिक्सल प्रति इंच जबकि Narzo 20 Pro में 405 पिक्सल प्रति इंच देखने को मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Narzo 20 में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और Narzo 20 Pro की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Narzo 20 में 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Narzo 20 Pro की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Narzo 20 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 9 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Narzo 20 Pro में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 7 डिफरेंट फीचर्स देखने को मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Narzo 20 में Mali-G52MC2 जबकि Narzo 20 Pro में Mali-G76MC4 देखने को मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Narzo 20 में MediaTek Helio G85 और Narzo 20 Pro में MediaTek Helio G95 मिलता है। बात करें RAM की तो Narzo 20 में 4GB जबकि Narzo 20 Pro में 6GB मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Narzo 20 में 128GB जबकि Narzo 20 Pro में 64GB देखने को मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 256GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V10 क्यू देखने को मिलती है। बैटरी Narzo 20 में 6000 mAh जबकि Narzo 20 Pro में 4500 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Narzo 20 की 11,499 रुपीस जबकि Narzo 20 Pro की 14,999 रुपीस प्राइस देखने को मिलती है, जो कि Narzo 20 से ज्यादा है।
दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो दोनों फोन में 3 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में नाजो 20 प्रो आगे है। परफॉर्मेंस में नाजो 20 प्रो आगे है। इंटरनल मेमोरी में नाजो 20 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें रेल नाजो 20 है जो कि 10,499 रुपए में मिलता है। दूसरा Xiaomi Poco 128GB है जो कि 11,499 रुपए में मिलता है। तीसरा Realme 7i 128GB है जो कि 12,999 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi 9 Power 128GB है जो कि 11,999 रुपए में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना।